आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल है लेकिन इसके थ्रू आप अपनी काफ़ी सारी इंग्लिश की वोकेबलरी कैस किस तरीके से जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया गया है वो कंप्लीट आप सीखेंगे आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो हमेशा की तरह इसको मैं ट्रांसलेट करूँगी हिंदी में इसके थ्रू करते हैं आप अपनी इंग्लिश की बेसिक वोकेबलरी बेसिक ग्रामर और अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नाम है रहीम एंड हिज़ कैमल रहीम और उसका हिज़ यानी उसका क्या ऊँट ये है स्टोरी बिल्कुल बेसिक लेवल की स्टोरी है रहीम यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है स्टोरी है लेकिन प्ले दे रखा है मतलब कॉन्वर्जेसन इनकी बता रखी है रहीम एंड हिज़ कैमल रहीम और उसका कैमल आर और ट्रैवल के साथ आई एन जी लगा है तो इज़ आर एम के साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ आई एन जी लग जाता है ना तो कॉन्टीन्यूस टेंस होता है कौन सा टेंस होता है कॉन्टीन्यूस टेंस तो ये कौन सा है अगर इज़ आर एम है न, तो प्रेजेंट क्या है ना तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो रहा है रही है इस तरीके से सेंटेंस की एंडिंग होगी तो रहीम और उसका कैमल क्या कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं ठीक है यात्रा करना सफ़र करना ये है मतलब ट्रैवल करना अब यहाँ पर दे रखा है थ्रू थ्रू का मतलब होता है के द्वारा होता है और किसी में से होकर गुजरना ट्रैवल फ्रॉम वन साइड तब हम थ्रू वर्ड का यूज़ करते हैं ये एक प्रपोजिशन है ठीक है ट्रैवलिंग थ्रू द डेजर्ट यानी कि रहीम और जो उसका ऊंट है वो सफर कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं या डेजर्ट से होकर यात्रा कर रहे हैं तो क्या है ये स्टोरी या इनका जो कॉन्वर्जेशन है चलिए देखते हैं रहीम क्या बोलता है इट इज गेटिंग डार्क इट का यूज किया गया है डार्क का मतलब होता है रात या अंधेरा तो अंधेरा होना ठीक है डार्क होना इज और फिर गेट के साथ आई एन जी लग रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस है ये तो आपको पहचान हो रही होगी तो इट इज़ गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा हो रहा है तो तो इट का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर अंधेरे की बात हो रही है गेट मतलब होना तो अंधेरा हो रहा है आई एम सो टायर्ड टायर्ड मतलब थका हुआ तो आई एम सो टायर्ड मैं क्या हूँ मैं थका हुआ हूँ आप कुछ भी हैं तब हम इजार्म का यूज़ करते हैं इजार्म का कॉन्टीन्यूस टेंस में भी होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में लेकिन आप कुछ भी हैं प्रेजेंट में तब भी हम इजार्म का यूज़ करके जो भी आप हैं वो उसके बाद आप लगा देते हैं इजारम के बाद ठीक है आई एम सो टायर्ड मैं थका हुआ हूँ हूँ का सेंस दे रहा है ये एम आई एम ठीक है लेट्स स्टॉप नाउ तो लेट्स मतलब लेटस ठीक है लेट्स जो है लेटस की शॉर्ट फॉर्म है लेट्स स्टॉप नाउ लेट्स का मीन लेंगे आप चलो चले हम ऐसा करते हैं या आओ हम क्या करते हैं हम चलो अब हम रुकते हैं ठीक है नाव का मतलब हो गया अब आई विल विल जो है यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है पुट put मतलब put up है तो put up का आप मीन लेंगे साथ में सिर्फ पुट का नहीं आई विल up द टेंट हेयर मतलब यहाँ जो टेंट को है मैं यहाँ पर अप कर देता हूँ up का मतलब है खड़ा करना ठहरने की व्यवस्था करना रहने की व्यवस्था करना स्थापना करना या फिर लगाना बहुत सारे मीन हैं तो यहाँ पर है कि मैं टेंट को यहाँ लगा लगाऊंगा लगा देता नहीं हूँ लगाऊंगा क्योंकि विल दे रखा है ना आई विल पुट अप द टेंट हेयर मैं यहाँ पर टेंट लगाऊंगा दैन वी विल रेस्ट एट नाइट नाइट से पहले एट प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है दैन यानी इसके बाद वी विल रेस्ट at नाइट इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर रात को आराम करेंगे गुड नाइट कैमल गुड नाइट कह देता है कौन रहीम अपने कैमल को तो यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है नेक्स्ट क्या है आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ देर बाद कैमल बोलता है मास्टर इट इज़ सो कोल्ड आउटसाइड आउटसाइड बाहर कोल्ड मतलब ठंडा इज़ यानी है बहुत सो so, तो यहाँ पर ठंड के लिए भी इट का यूज़ किया गया है तो ठंड के लिए आप ही शी ऐसा कुछ नहीं लगा सकते इट का यूज़ करेंगे ठीक है इट इज़ सो कोल्ड आउटसाइड मतलब बाहर बहुत ठंड है अब कैन का यूज़ किया गया है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो कैन का यूज़ अनुमति लेने के लिए यूज़ करते हैं ना परमिशन लेने के लिए तो अब क्या परमिशन ले रहा है ये ठीक है मॉडल वर्ब है ये एक मॉडल ऑगजिलरी वर्ब तो कैन का यूज़ यहाँ पर परमिशन लेने के लिए किया गया है तो क्या लेता है permission क्या क्यामल कैन आई पुट माई पुट मतलब रखना ठीक है अब क्या से स्टार्ट करेंगे हिंदी में ठीक है कैन आई पुट माई हैड मेरा जो हैड है यानी सर इन यानी अंदर किसके अंदर टेंट में क्या मैं अपना जो सर है हेड है उसको टेंट के अंदर ले सकता हूँ ऐसी परमिशन लेता है तो फिर रहीम परमिशन देता है यस वाई नॉट हाँ क्यों नहीं ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ देर बाद या कुछ समय बाद कैमल बोलता है क्या बोलता है मास्टर आई वॉन्ट टू वॉन्ट टू आप कुछ भी करना चाहते हैं प्रेजेंट में तो वॉन्ट टू तो का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं टू से पहले आप सब्जेक्ट लिख दें और उसके बाद वर्ब आ जाएगी तो मास्टर आई वॉन्ट टू वॉम वॉम का मतलब गर्म माई नेक मेरी जो नेक है गर्दन है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ मैं गर्म करना चाहता हूँ फिर परमिशन लेता है कैन आई पुट माई नेक इन साइड क्या मैं अपनी नेक अपनी गर्दन को अंदर ले सकता हूँ फिर रहीम बोलता है ऑल राइट ठीक है फिर आगे आफ्टर सम टाइम यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है मतलब कि कुछ समय बाद कैमल बोला मास्टर माय फोर लेग्स तो यहाँ पर फोर लेग्स का क्या मतलब होता है मैं बताऊँगी अभी आर यानी है मतलब फोर लेग्स है ना लेग्स तो एस लगा है तो एक से ज़्यादा की बात हो रही तो आर लगा है सो so, यानी बहुत कोल्ड यानी ठंडे तो मेरे जो फोर लेग्स है फोर लेग्स का मतलब अगली टांग एनिमल्स के जो आगे के पाँव है ना दो वाले दो पाँव मतलब फ्रंट के जो दो लेग्स हैं वो फोर लेग्स होते हैं जानवरों की आगे की जो दो टांगे हैं उनको हम फोर लेग्स बोलते हैं तो बोलता है कि माय फोर लेग्स आर सो कोल्ड मेरे जो फोर लेग्स हैं वो बहुत ठंडे हैं मे आई अब मे का भी परमिशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है जैसे कि आप बोलते हैं मे आई कम इन मैम स्कूल में लेते हैं इस तरीके से तो मे आई पुट देम तो मे का भी यूज़ कर सकते हैं कैन का भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है मे आई पुट देम इन साइड क्या मैं इनको देम यानी फोर लेग्स है ना एक से ज़्यादा की बात हो रही तो फोर लेग्स यानी इनको मैं इन साइड अंदर रख सकता हूँ पुट मतलब होता है रखना तो रख सकता हूँ फिर रहीम बोला यस यू मे अब उसको परमिशन ली और परमिशन देने के लिए भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं ठीक है अलाउ करते हैं तो यस यू मे हाँ तुम रख सकते हो बट नाउ लेट मी स्लीप लेट मतलब कुछ भी uh, होने देना ठीक है आने और जाने की अनुमति के लिए भी लेट का यूज़ करते हैं तो अब क्या कहता है कि लेकिन अब मुझे क्या करने देना मुझे सोने देना देने का सेंस आता है ना का सेंस आएगा एंड में जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में बट नाउ लेट मी स्लीप लेकिन अब मुझे सोने देना क्लियर है यहाँ तक यहाँ पर पिक्चर दे रखी है ये टेंट के अंदर अपनी नेक अंदर लेकर आता है इससे पहले ठीक है और फिर यहाँ पर पहले सिर्फ अपना यहाँ पर अपना मुंह लेता है अंदर इस तरीके से नेक्स्ट क्या है आफ्टर सम टाइम कैमल बोला मास्टर मास्टर हैव आई हैव पिटी ऑन मी मुझ पर दया करें पिटी का मतलब होता है दया तो हैव पिटी ऑन मी मुझ पर दया करें माय चेस्ट यानी जो मेरी चेस्ट है छाती है एंड और माय बेली यानी कि जो मेरा पेट है एंड माय बैक बैक मतलब जो मेरी कमर है आर फ्रीजिंग आर और आईएनजी लगा है ठीक है हो रहे हैं मेरी बेली चेस्ट और बैक हो रहे हैं क्या हो रहे हैं फ्रीज़ का मतलब होता है जमना तो जम रहे हैं ठीक है जम रहे हैं कॉन्टीन्यूस टेंस है आई वॉन्ट टू पुट मैं चाहता हूँ वॉन्ट टू यानी कुछ भी आप चाहते हैं जैसे मैंने बताया प्रेजेंट में और पास्ट होता तो वॉन्टेड टू हो जाता आई वॉन्ट टू पुट डैम इनको मैं क्या करना चाहता हूँ चेस्ट बेली और किसको बैक को मैं इनसाइड अंदर रखना चाहता हूँ प्लीज़ मूव असाइड कृपया मूव असाइड मूव असाइड का मतलब क्या होता है एक तरफ़ हटना एक साइड हटना या फिर हटाना खिसका नाम सर का नाम ठीक है इस तरीके से तो एक तरफ हटें उसको एक तरफ हटाता है वो हटने के लिए कहता है कृपया एक तरफ हटें या सर के रहीम ओ बॉदर रहीम बोलता है ओ बॉदर ओ कैसी परेशानी ऐसे बोलते हैं तो बॉदर का मतलब होता है परेशान करना परेशान होना परेशानी ठीक है इस तरीके से बॉदर का मीन हो गया मुँह वसाइड फिर मुंह वसाइड होते हुए बोलता है कैसी परेशानी है इस तरीके से इसका सेंस है आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद कैमल बोला क्या बोला कैमल माय अब यहां पर ये एच आई N डी इसको आप प्रोनाउंस करेंगे हाइंड हाइंड लेग्स हाइंड लेग्स का मतलब हो गया फोर लेग्स का आ गया मीन आपको समझ में आ गया होगा हाइंड का मतलब होता है हाइंड लेग हो गया ना हाइंड लेग्स हो गया पिछले पैर हाइंड लेग्स मतलब पिछले पैर अगले जो पैर है उनको बोला फोर लेग्स हाइन लेग्स पिछले पैर एनिमल्स की आर शिवरिंग आर और शिवर शिवर का मतलब होता है कांपना तो कांप रहे हैं मेरे पिछले जो पैर है पिछली जो टांगे हैं वो एंड माई टेल और जो मेरी टेल है पूछ है इज ट्विचिंग ट्विच करना ट्विच का मीन होता है फड़कना झटका मारना या झटकना या झटका इस तरीके से तो वो फड़क रही है इस तरीके से कह सकते हैं माई हाइंड लेग्स आर शिवरिंग एंड माई टेल इज ट्विचिंग आई वॉन्ट टू अब मैं चाहता हूँ क्या चाहता हूँ ब्रिंग पुट का भी यूज़ हुआ था यहाँ पर ब्रिंग का हो गया लाना देम इन साइड मैं इनको अंदर लाना चाहता हूँ फिर रहीम बोला बट द टेंट इज़ स्मॉल लेकिन जो टेंट है ना वो है इज यानी है स्मॉल मतलब छोटा टेंट कैसा है छोटा है अब यहाँ पर वर्ब नहीं है इज आरम का यूज बिना क्रिया के भी होता है ठीक है देयर इज नो रूम फॉर द टू ऑफ अस फॉर द द टू ऑफ अस मतलब हम दोनों के लिए अस हम हो गया ना और टू ऑफ अस हम दोनों के लिए नो no रूम नहीं रूम यानी कि कमरा कमरा नहीं है और फोर के लिए इज़ यानी है अब यहाँ पर देयर को जो है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ किया गया है देयर का ठीक है अब ऐसे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो देयर इज़ नो रूम फॉर द टू ऑफ अस यानी कि हम दोनों के लिए कमरा नहीं है फिर कैमल ने क्या कहा इन दैट केस इन दैट केस मतलब आ, उस मामले में या उस हालत में जब कमरा नहीं है ना तो मास्टर बोला उस हालत में मास्टर वाई डोंट यू गो आउटसाइड तुम आप क्यों नहीं बाहर चले जाते ऐसा बोलता है वाई डोंट यू गो आउटसाइड मतलब बाहर ये है इंटारोगेटिव सेंटेंस डोंट का यूज़ हुआ है ये है डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंटारोगेटिव सेंटेंस और किसका है प्रेजेंट का डू do और डज का यूज होता है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडाफिनेट टेंस का ये इंटारोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है तो साथ में तो नेगेटिव इंटारोगेटिव सेंटेंस है तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको आएंगे टेंस की हेल्प से फिर क्या करता है पुशेस रहीम आउट ऑफ द टेंट उसको धक्का मार देता है जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है इस तरीके से इसको तो बाहर निकाल दिया रहीम को और ये खुद अंदर आ गया लास्ट में एंड में क्या कहता है रहीम वाटर सेल्फिश एनिमल तो अ सेल्फिश एनिमल कितना मतलबी जानवर है ये ऐसा सेंस दे रहा है अ सेल्फिश एनिमल कितना मतलबी है कितना मतलब ही इस तरीके से आप कह सकते हैं या फिर स्वार्थी तो यहाँ पर वॉट का क्या सेंस नहीं जाता जब हम अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से बताते हैं ठीक है वाई डिड आई लेट यू कम इनसाइड मैंने क्यों इसे अंदर आने दिया वाई क्यों और डिड पास्ट में जब हम बनाते हैं इंटारोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है इसलिए वाई डिड आई लेट यू कम inside? मैंने इसको अंदर क्यों आने दिया